हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद विशानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो अभी 7:30 हो रहे हैं और मैं एक घंटा पहले उठी हूँ, 6:30 बजे उठी हूँ। थोड़ा सा एक्सरसाइज की हूँ, फ्रेश हुई हूँ। टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी क्लीनिंग से आज का दिन स्टार्ट होने वाला है और आज डेट है 1 अगस्त और दिन है शनिवार और आज ईद भी है। तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबको हमारी तरफ से। आज का दिन क्लीनिंग से स्टार्ट होने वाला है। सोचे नहीं थे कि 1 अगस्त को मैं क्लीनिंग करूंगी, वो भी डीप क्लीनिंग। माय गॉड, डीप क्लीनिंग करने के लिए बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। घर में तो आप रोज़ सफाई करते हो लेकिन डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार में सारे घर की सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। बेडरूम की तो मैं सफाई कर चुकी हूँ, बेडरूम पूरा मेरा क्लीन है। बस थोड़ा बहुत रेगुलर का जो डस्टिंग होता है वही करना है। बाकी मुझे लिविंग रूम और किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। किचन की डीप क्लीनिंग तो हमेशा होते रहता है लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा किचन ही गंदा होता है और मैं किचन की सफाई सबसे ज़्यादा करती हूँ और बेडरूम और हॉल दोनों का सफाई बहुत कम होता है क्योंकि ज़्यादा कुछ सामान रखा नहीं है और किचन में ही थोड़ा ज़्यादा सामान है, जैसे कि डब्बे हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं किचन में साफ़ करने के लिए। रेगुलर का क्लीनिंग तो किचन का होता ही है, डीप क्लीनिंग करने में तो हालत पंचर हो जाती है। आज मैं सारे कर्टन को निकाली हूँ धोने के लिए। बेडरूम का है, लिविंग रूम का भी कर्टन है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसे धोने के लिए लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था। रोज़ कोई ना कोई काम बढ़ जाता है और रोज़ कोई ना कोई काम बढ़ता है, काम करते हैं लेकिन कोई ना कोई काम छूट भी जाता है, एक्स्ट्रा रह जाता है करने के लिए। तो कभी भी काम ख़त्म नहीं होने वाला है, खासकर क्लीनिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उसे अभी सारे कर्टन को मैं डुबो दी हूँ और कल का भी कुछ कपड़ा था जैसे कि दरिसानी सोफा पे दाल गिरा दी थी, वो सारे कपड़े मैं सोची थी कल रात को ही धो लूँगी लेकिन धो नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसे भी मैं भिगो दी हूँ और अभी कुछ टाइम में पानी भी आ जाएगा, उसके बाद मैं सारे कपड़े को धो दूँगी। और अभी दिशानी और हस्बैंड दोनों उठ गए हैं तो मैं बेड भी लगे हाथ साफ कर ली हूँ, नहीं तो बिस्तर इसी तरह पड़ा रह जाता है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, काम पे काम बढ़ते जाता है और बिस्तर उसी तरह पड़ा रह जाता है। और गाइज, ये वीडियो 1 अगस्त का है लेकिन आप लोग शायद 4 अगस्त को देखेंगे क्योंकि 2 अगस्त को मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, वीडियो एडिट नहीं हो पाया था टाइम पे इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी। और 3 अगस्त को रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन का दिन मैं रक्षाबंधन वाला ही ब्लॉग डाली थी। तो ये आप नेक्स्ट डे देखेंगे यानी 4 अगस्त को। बेडरूम में ज़्यादा कुछ क्लीन करना नहीं था क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग 5-6 दिन पहले ही की हुई थी तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था। तो मेरे बेडरूम का क्लीनिंग जल्दी ख़त्म हो गया है और अभी लिविंग रूम का क्लीनिंग पूरा करना बाकी है और किचन भी पूरा क्लीन करना है। तो आज तो मेरा मूड बन गया है पूरा डीप क्लीनिंग का, तो आज तो मैं पूरा करूँगी, जितना होगा उतना मैं करूँगी। तभी अभी मैं सारे मकड़े के जाले को साफ कर ली हूँ, जो भी ऊपर थोड़ा बहुत लगा हुआ था वो मैं साफ कर ली हूँ, ज़्यादा नहीं लगा हुआ था क्योंकि मैं हमेशा साफ करते रहती हूँ, जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो एक बार हाथ जरूर घुमा देती हूँ तो साफ हो जाता है। अभी देखिए सोफ़ा के पीछे कितना ज़्यादा कचरा हो गया है। पहले मैं रोज़ झाड़ू लगाती थी लेकिन आजकल नहीं लगा पाती हूँ, सोफ़ा बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। पहले हल्का था और हल्का इसलिए था क्योंकि उसके मतलब बॉक्स है ना सोफ़ा के बॉक्स, उसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ था। अभी मैं बहुत सारा चीज़ें रख दी हूँ उसमें और उसमें गद्दा भी रखा हुआ है तो और भी ज़्यादा भारी हो गया है। और अभी मुझे छींक आ रही थी क्योंकि नाक में पूरा डस्ट जा रहा था तो मैं रुमाल से बांध ली हूँ। सोफ़ा के पीछे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, उसे मैं कपड़े से पोंछ रही हूँ और बाद में मैं गीला कपड़ा करके पोंछ दूँगी तो पूरे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अभी मैं टीवी भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, टीवी पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गया था तो अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी।
अभी ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है फ्रिज के पीछे से। तो फ्रिज की हमेशा क्लीनिंग होता है, लेकिन ऊपर से होता है, अंदर से होता है, और ये पीछे के साइड से कभी नहीं होता है। ये मशीन साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, और जितना हुआ है उतना मैं की हूँ। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा हो गया था, और अभी देखिए मैं साफ़ की हूँ तो पूरे फ्रिज के ऊपर डस्ट जमा हो गया है। तो अभी मैं पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन अभी नहीं, नहाने के बाद करूँगी। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, दिशानी भी नहा ली है, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और नहाने से पहले मैं पूरा डस्टिंग का काम ख़त्म कर ली हूँ, और उसके बाद मैं पोछा भी लगा ली हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाई हूँ। और अभी देखिए सारे सामान बिखरे हुए हैं, किचन काउंटर टॉप पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं सारा क्लीन की हूँ और आप लोगों को बहुत कम दिखा पाई हूँ। अगर उतना दिखाती तो शायद और भी ज़्यादा लेट होता, क्योंकि कैमरे में बार बार जाके देखना पड़ता है वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं, मतलब किधर से अच्छा दिख रहा है किधर से अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सब देखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मैं किचन काउंटर टॉप को फिर से मैं धोऊंगी, रात को मैं क्लीन करके सोई हुई थी, पूरा गैस में अच्छे से माजी हुई थी, लेकिन अभी फिर से मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं डस्टिंग की हूँ और पूरा मकड़े के जाले वगैरह साफ की हूँ, तो मुझे लगा कि शायद गिरा होगा और पूरा गंदा हो गया होगा, मुझे ऐसा फील हुआ। पता नहीं, मकड़े के जाले से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं पूरे अच्छे से फिर से धो रही हूँ, और उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी, नहीं तो बना नहीं पाऊँगी, मुझसे रहा ही नहीं जाएगा बिना क्लीन किए हुए। कैसे हो आप सब लोग? तो सुबह से ही लगे हुए हैं क्लीनिंग करने में, लेकिन अभी तक क्लीनिंग खत्म नहीं हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे इतने सारे बर्तन है ना, और देखिए देखने में कम लग रहा है, लेकिन इसे साफ करने में पूरा आधा घंटा जाने वाला है। और पूरा मैं ये जो टाइल्स है ना, ये सारे टाइल्स को मैं अच्छे से साफ की हूँ। फिर से मुझे गैस क्लीन करना पड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा भी धूल और खासकर मकड़ी, मुझे बहुत एलर्जी है, मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ जब तक मैं साफ नहीं करूंगी। और देखिए मेरा सोफा का क्या हाल हुआ है, निशानी और भी बिखेर के रखी हुई है, और आज घर बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। आधा अधूरा अभी क्लीनिंग हुआ है, सिर्फ डस्टिंग की हूँ मैं, पूरे घर को भी पोछना है, मतलब फ्लोर डस्टिंग हो गया है, पोछा भी हो गया है, कपड़े गीला करके दरवाजा, और उसके बाद ये जो कंप्यूटर टेबल है उसे, और मेरे घर के विंडो, खासकर विंडो को मुझे किसी भी तरह क्लीन करना है। बेडरूम और लिविंग रूम का विंडो साफ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन किचन के विंडो साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि निशानी इतना ज़्यादा गंदा करके रखी है ना, पूरा दाग दाग लगाई हुई है, तो उसे अच्छे से मुझे साफ करना पड़ेगा। और अभी सारे कपड़े धुल के रखे हैं, तो मैं नहीं धुली हूँ कपड़ा, सारे हस्बैंड धोए हैं, तो काम मेरा जल्दी खत्म हो गया है। अभी मैं फटाफट जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अभी मैं चाय पी हूँ, हस्बैंड भी चाय पिए और वो मार्केट गए हैं दूध लाने के लिए, और मेरा वाईफाई बंद हो गया है ना, क्योंकि उसका रिचार्ज खत्म हो गया, छह मंथ का प्लान लिए हुए थे खत्म हो गया, तो उसको भी रुको ना बेटा रिचार्ज करवाना है, तो वहां पे उनको टाइम लगेगा, तब तक मैं खाना बना के रेडी करती हूँ। रात का ही जो पकौड़ा वाला बैटर है वो बचा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसे मैं जाती हूँ, उसी का मैं सब्जी बनाऊंगी। पकौड़े पहले फ्राई करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, और निशानी को मैं हलवा बना के दी हूँ, अभी तक नहीं खाई है, उसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें मैं किशमिश डाल के दी थी, सारे किशमिश खत्म कर दी है, क्योंकि उसको जो पसंद है ना वो तुरंत खा लेती है, और हलवा उसी तरह छोड़ दिए। और अभी सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, उसे भी मुझे सूखने के लिए डालना है, और निशानी देखिए हलवा यहाँ पे रखी है बिस्तर पे, मैं जल्दी जल्दी में बनाई हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाई हुई थी, बस दूध पी थी और थोड़ा सा चौकोज खाई थी, बिस्किट खाई थी, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें खाई है, क्योंकि मैं बिजी हो गई थी, और जब तक मैं साफ नहीं करती तब तक कुछ बनाती नहीं, तो फटाफट मैं साफ की हूँ और उसके लिए हलवा बनाई हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, ये खा नहीं रही है। इसके लिए मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद में, क्योंकि आज पूरा दिन मैं बिजी रहने वाली हूँ।
तो अभी मैं पकौड़े वाली सब्जी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, उसके बाद मैं प्याज डाल दी हूँ और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और उसे भी मैं थोड़ा टाइम तक भून लूँगी। उसके बाद मैं टमाटर डाल दी हूँ और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी भी डाल दी हूँ ताकि मसाला जले नहीं। तो मसाले में मैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ और नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार और मसाले को अच्छे से भून ली हूँ। और मसाले जब अच्छे से भून गए हैं तो उसमें मैं चार उबला हुआ आलू डाल दी हूँ और आलू मिक्स करने के बाद मैं एक से दो मिनट तक और मसाले को भूनी हूँ आलू के साथ। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें पकौड़ा डालेंगे तो पकौड़े ग्रेवी को सोख लेता है, तो मैं ज़्यादा ग्रेवी डाली हूँ। उसके बाद चना दाल का जो पकौड़ा मैं बना के रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा गर्म मसाला डाली हूँ और दो से तीन मिनट तक पका लूँगी तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और अभी देखिए मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है और यहाँ पर चावल भी मेरा बन गया है और ये सारी सब्ज़ी भी सैनिटाइज हो गया है। मैं 3 लीटर दूध मंगाई हुई हूँ तो और ये सारी सब्ज़ी मतलब हस्बैंड ही सैनिटाइज करके दिए हैं, अगर वो नहीं करते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो आज तो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कर दिए हैं, कपड़े भी धोल दिए हैं और उसके बाद सब्ज़ी भी सैनिटाइज करके दे दिए हैं, नहीं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता क्योंकि मैं क्लीनिंग में बिज़ी हो गई थी। तो सब्ज़ी यही सब आया है, ये बोरी है, हम लोग इसे बोरी बोलते हैं और उसे लोबिया बीन्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन, देखने में तो कम लग रहा है लेकिन इसके अंदर इतने सारे बर्तन हैं, इन्हें धोने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और सारे बर्तन मैं धुल ली हूँ। और यहाँ पे 2 डब्बा है घी का जिसे मुझे गर्म पानी करके धोना पड़ेगा इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। और अभी देखिए पूरे टाइल्स को मैं अच्छे से क्लीन की हूँ, पोछी हूँ, तभी फिर से मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है, पूरा डीप क्लीनिंग हो गया मानो तो मेरे किचन का, और किचन का ही नहीं फ्रिज का भी हो गया है। और ये ऊपर जो रैक है मतलब स्लैब बना हुआ है उसे भी मैं अच्छे से साफ कर ली हूँ, सारे मतलब सामान उतार के मैं अच्छे से साफ़ की हूँ। और अभी देखिए फ्रिज मेरा कितना चमचम चमक रहा है, तो पूरे अच्छे से मैं क्लीन की हूँ। और ये जो मिक्सी रखा हुआ है उसे भी मैं अच्छे से साफ की हूँ, कितना भी साफ कीजिए लेकिन गंदा तो हो ही जाता है, धूल बहुत ज़्यादा आता है। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, देख लीजिए 2 बज गया है, तो पूरे अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ। अभी 2 बज गया है और अभी तक मेरा क्लीनिंग ख़त्म नहीं हुआ है। अभी खाना खाने से पहले मैं फ्रिज क्लीन की हूँ और जो थोड़ा बहुत सामान था उसके ऊपर उसे मैं खाना खाने के बाद की हूँ। और अभी मैं कपड़े भी सूखने के लिए डाल दी हूँ, कपड़े मतलब वही बालकनी में रखा हुआ था पानी निकलने के लिए तो पूरा पानी निकल गया है, फिर उसके बाद मैं सूखने के लिए डाली हूँ। तो अभी दिलशानी को मैं जा रही हूँ सुलाने, उसको नींद आ रहा है, बैठी थी खाना खाने और झूल रही थी, खाना थोड़ा बहुत खाई है और छोड़ दी है सारा खाना उसी तरह। तो अभी वो सोकर उठेगी तो उसे मैं खिलाऊंगी, तो चलिए मैं मिलती हूँ डायरेक्ट शाम को आप लोगों से। और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, शाम हो गया है, 5 बज गया है और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्रायंगल पराठा। बहुत खाने का मन हो रहा था मुझे पकौड़े वाली सब्ज़ी के साथ, और पकौड़े वाली सब्ज़ी के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्लीनिंग करते करते, तो मैं फटाफट चावल बना ली हूँ क्योंकि चावल बनाने में टाइम नहीं लगता है और थोड़ा रोटी बनाने में टाइम लगता है, आटा गूंथो फिर रोटी बनाओ, तो इसलिए मैं फटाफट चावल बना ली थी। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठा और मानो तो ये हमारा डिनर ही है क्योंकि इतना लेट खाना खाएंगे तो फिर रात को नहीं खा पाएंगे, वैसे 2 दिन से हम लोग ऐसे ही खाना खा रहे हैं तो मतलब डिनर जल्दी कर ले रहे हैं तो रात में भूख भी नहीं लगती है, 9-10 बजे तक भूख नहीं लगता है, फिर उसके बाद कौन खाना खाएगा तो सो जाते हैं हम लोग। तो अभी हमारा खाना बन के रेडी है, तो अभी मैं पराठे बनाई हूँ और मैंगो है तो अभी हम लोग खाएँगे, सब्ज़ी वही है।
और अभी मैं सब्जी सारे फ्रिज में रख रही हूँ, धनिया पत्ता को भी छांटना है, तो अभी टाइम ही टाइम है मेरे पास, तो ये सब काम तो करना बनता ही है। और अभी सारे सब्जी को मैं रख दी हूँ फ्रिज में, और देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा कचरा हो गया है। पानी फ्रिज का निकलता है, गिरता है तो सब उसी के ऊपर गिरता है, तो उसे मुझे कपड़े से पोंछना पड़ेगा। तो इसमें मैं धनिया पत्ता डाली हूँ ये टिफ़िन बॉक्स में, और आटा थोड़ा सा बच गया था तो उसे मैं रख दी हूँ, और अभी दूध फ्रिज में ही रखा हुआ है, बाद में मैं दो मतलब गर्म करूँगी। और अभी दिशानी देखिए मुझे कहाँ लेके जा रही है। अभी दृशानी यहाँ पे बैठ के रोटी बना रही है, तो जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो रोटी ले लेती है, उसी तरह रोटी बनाती है। और अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, बाकी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। आज मैं बहुत कुछ सोची हुई थी करने के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सिर्फ डस्टिंग वाला काम हुआ है। और मतलब कपड़े को गीला करके सारे विंडो वगैरह मुझे पोंछने थे, लेकिन वो सब नहीं हो पाया है। मतलब सुबह से शाम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, और काम ख़त्म भी नहीं हुआ। और अभी जो क्लीनिंग बच गया है वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग करने जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को रेमेडी भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं एक चम्मच कोकोनट ऑयल ली हूँ, उसके बाद मैं एक चम्मच ऑयली ऑयल ले रही हूँ, और एक चम्मच मैं फिगारो का ऑयल लूँगी यानी जैतून का तेल। तो ये तीनों ऑयल को मिक्स करना है, उसके बाद अपने हेयर में मसाज करना है अच्छे से। तो एक एक चम्मच लेना है, और आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपका हेयर का लेंथ बड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अभी सारे ऑयल को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद अपने बालों में लगाऊँगी। तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग कर ली हूँ, और हस्बैंड से हेड मसाज करवा रही थी। माय गॉड, इतना ज्यादा सर में दर्द हो रहा है ना, वो थोड़ा सा हेड मसाज कर दिए है तो आराम मिला है। और देखिए बाल भी बना दिए हैं, कैसे बाल बना है। मैं बोली हूँ उनको चोटी बना दीजिए, बोल रहे चोटी बनाने नहीं आता है मुझे, तो बस एक ऐसे बाल बना दिए हैं। अभी हम लोग डिनर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 5 बजे खाए हैं तो पेट भरा हुआ है, और अच्छा है कि नहीं खाएंगे। कल मैं मतलब नहीं खाई थी ना रात में, ज्यादा कुछ नहीं खाए थे, तो अच्छा फील हो रहा था, एकदम हल्का फील हो रहा था। तो अभी हम लोग सोचे हैं ना कि ऐसे ही मतलब जल्दी डिनर कर लेंगे, मतलब रात में नहीं खाएंगे, जल्दी खा लेंगे 6 या 5 बजे ऐसे खा लेंगे। तो आज भी उसी तरह हुआ है, आज भी हम लोग खा लिए हैं। अभी दिशानी के लिए सिर्फ एक पराठा बनाऊंगी, आटा रखा हुआ है फ्रिज में, तो दिशानी को मैं पराठा बना के खिला देती हूँ। और उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन है, वो बर्तन साफ करूंगी। आज मैं कितना सारा चीजें सोची थी कि सारे विंडो को मैं साफ करूंगी, विंडो साफ भी नहीं हुआ है, दरवाजा भी मैं नहीं पोछी हूँ, तो कल मॉर्निंग में जल्दी उठकर और ये सारे काम खत्म करने पड़ेंगे। क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, और आज ना शनिवार था, शनिवार के दिन मैं बाल धो के नहीं नहाती हूँ, नहीं तो बाल धो के नहाती तो फ्रेश फील करती। इतना खुजली हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, की हेयर ऑयलिंग की हूँ ना तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, सर पूरा भारी भारी लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कब मॉर्निंग होगा कि मैं अपना हेयर वॉश करूंगी। तो अभी मैं जाती हूँ दिशानी के लिए पराठा बनाती हूँ, इसको खिलाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को वीडियो स्टार्ट कर रही है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ ब्यूटीफुल एडिशन कैसे सब लोग। और आज संडे और मंडे नहीं, संडे संडे संडे, आज संडे नहीं है, आज सैटरडे, संडे ना संडे आ गया, कल संडे संडे आ गया, बोला ना संडे आ गया।
कल है संडे, संडे आ गया। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।